दिखाते हैं क्योंकि ये फर्स्ट टाइम विजिट है हम लोगों की, तो देखते हैं यहाँ क्या मिलता है। तो बने रहिए चैनल के साथ। टिकट काउंटर है और इसका आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं इस QR कोड की मदद से, और यहाँ पार्किंग की व्यवस्था भी अच्छी है। और हमें जाना है वहाँ, क्लिंटन और तो निकल चुके हैं, बाकी उनके लोगों के लिए 800 रुपये है और इंडियन सिटीजन्स के लिए 40 रुपये। एंट्री करने और रानी की बाव के बारे में हम थोड़ी सी विस्तृत जानकारी हम आपको देंगे ज़रूर। यहाँ मैंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इस भव्य बाव के निर्माण भीमदेव ने 1022 से 1063 के रानी उदयमती 11वीं सदी के अंतिम चतुर्थ से कराया भीमदेव। तो दोस्तों हम बताना चाहेंगे कि रानी की बाव भारत के गुजरात राज्य के पाटन में स्थित प्रसिद्ध बावड़ी, जिसे हम कहते हैं सीढ़ीदार कुआं। और हम ये बताना चाहेंगे कि रानी की बाव का जो एक सुंदर चित्रण है वो आप 100 के नोट, अभी जो 2018 में RBI ने ये किया है उसमें 100 के नोट के ऊपर रानी की बाव का एक सुंदर चित्रण चित्रित किया गया है। और 22 जून 2014 को यूनेस्को ने इसको अपने विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया, इसे गोद ले लिया है। तो पाटन को पहले अणहिलपुर के नाम से जाना जाता था, जो गुजरात की पूर्व राजधानी हुआ करती थी, जिसे रानी की बाव या बावड़ी वर्ष 1063 में सोलंकी राजा के राज भीमदेव प्रथम की प्रेमिल स्मृति में उनकी पत्नी रानी उदयमती ने बनवाया था। रानी उदयमती जूनागढ़ में चौड़ूसमा शासक खा राख होंगार की पुत्री थी। सोलंकी राजवंश के संस्थापक मूल राज थे। सीढ़ी युक्त इस बावड़ी में बाव की दीवारों पर जो स्तंभ पर अधिकांश नक्काशियों में जो काम है वो भगवान राम जी, वामन, महिषासुर मर्दिनी, कल्कि आदि जैसे अवतारों के विभिन्न रूपों को भगवान विष्णु को समर्पित करती हैं। तो आइए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये नीचे कई सारे फ्लोर हैं और कैसे वहाँ तक पहुँचा जाए। तो आइए उतरते हैं नीचे, और आप सभी वीडियो को शेयर ज़रूर करें और जो नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये जो है ये है रानी की बाव, और इसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन उसमें दे दूंगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे 700 करीब यहाँ पे ऐसे मूर्तियाँ हैं जो आप आइट साइड में देख सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं और ये सैंडस्टोन से बनी हुई हैं। कितना फ्लोर है ये? तो अभी हम आ चुके हैं बाव के अंदर, और ये है 7 फ्लोर जितनी हाइट यहाँ की, और यहाँ काफ़ी खूबसूरत मूर्तियाँ अभी भी हम आपको दिखा सकते हैं जो कि सुरक्षित हैं। ये इस तरह की जो कार्विंग्स, नाक, नैन, नक्श, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, क्योंकि पहले जो हमने देखे थे वो सारी लगभग खंडित मूर्तियाँ थी। और यहाँ ये पानी होने की वजह से ये बच गए हैं। कितने खूबसूरत तरीके से कार्व किया हुआ है, और ऐसे 700 मूर्तियों से पूरा ये बाव सजाया हुआ है। तो यहाँ है क्लिंटन, कुछ बताना चाहेंगे क्लिंटन कैसा लगा? हम आपको इस साइड दिखाते हैं, वामन अवतार, वामन देव की यह प्रतिमा है। हिमांशु
आगे जाते हैं और यहाँ पे आकर ये बंद है, इसके आगे जाने का परमिशन नहीं है। वो आप सुदूर देख सकते हैं, वहाँ विष्णु जी की एक प्रतिमा है लेटी हुई अवस्था में, जो कि बाव के दूसरे ऐसे हर एक फ्लोर पर, हर एक विंडो पे, जैसे आप इस विंडो से देख सकते हैं, दूसरे विंडो पे भी आप देख सकते हैं। जैसे जैसे आप फ्लोर वाइज जाएंगे, आपको वो प्रतिमा का दूसरा एक पार्ट दिखेगा। तो यहाँ बहुत सारी प्रतिमाएं बच गई, क्योंकि ये जो आक्रांताएं आए थे वो इस ऐसे जगह पे खंडित नहीं कर पाए, तो इसलिए हमें यहाँ नए नक्श नाक सभी देखने को मिलते हैं। अदरवाइज जितने भी ऊपर मंदिर थे सभी खंडित कर दिए गए। ज़ूम करके दिखाते हैं, देखिए ये जो विष्णु जी की प्रतिमा यहाँ देख रहे हैं, ऐसे हर एक फ्लोर से आपको ऐसे देखने को मिलता है। हाँ सर, एंशियंट और डेलिकेट हो गया सर, क्योंकि फ्रेजाइल इतना हो गया ना, पुराना हो गया, तो कोई ऐसा मतलब उसमें गणेश का। और ये बलुई पत्थर की ऊपर की हुई नक्काशियाँ हैं, जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से नए नक्श इनके आप देख सकते हैं। कई सारी मूर्तियाँ अपने स्थान से गायब हैं और अधिकांश मूर्तियों को यहाँ अच्छे से, पर्यटकों की संख्या यहाँ पर लगातार बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि इस तरह के ऐतिहासिक स्थलों की झलक पाने व स्थान के गवाह बनने के लिए काफ़ी सारे लोग भारत भर से यहाँ घूमने के लिए आते हैं। और जिस तरह की डिटेलिंग आप लोग देख रहे हैं, और यहाँ एक ग्रुप फोटोग्राफ चल रहा है, तो अभी हम बाव के अंदर हैं, पर कुछ फ्लोर तक यहाँ रिस्ट्रिक्शन है, जहाँ नीचे जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये एक गाइड है जो इस बाव के विषय में बता रहे हैं। यहाँ की नक्काशियों को देखकर आप समझ सकते हैं कितनी बारीक डिटेलिंग है यहाँ पर। हमने रानी की बाव विज़िट करा और अब हम जा रहे हैं सिद्धपुर। और ये पीछे कितना खूबसूरत इसमें कार्विंग है, आप यहाँ भी देख सकते हैं ये कार्विंग्स। और दूसरा वहाँ नीचे जो है वहाँ पैटर्न है, उसके बाद सिद्धपुर है, उसके बाद अहमदाबाद में वो है, वो देखते वापस। तो ये कार्विंग्स आप देख सकते हैं ऊपर पिलर्स का जो ये है, और खासकर पीछे की जो मूर्तियां हैं वो अभी भी साबित हैं, बची हुई। तो वो सारी मूर्तियां वहां से यहां तक पूरा आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं, और ताकि ये वीडियोस जो हैं दूसरे मित्रों तक पहुँच सके। यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है, वो अंदर तो बहुत सारा था ही जो आप लोगों को हमने दिखाया, और सारे लोग। दोस्तों, ये आप सभी दर्शकों का प्यार है जो चैनल इतना ग्रो कर पाया है। हम चाहेंगे कि आप लोग शेयर भी करते रहें अपने मित्रों से, अपने परिवारजनों से, और इस चैनल को और प्यार देते रहें। हमारा लक्ष्य 2 मिलियन सब्सक्राइबर का है, तो इसमें मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।